पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे बीजेपी के युवा नेता स्वामी संदीप ओमकार ने अपना टिकट कटने के बाद उन्होंने पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संदीप ओमकार को जहां टिकट कटने का मलाल है तो वहीं कार्यकर्ता इस कदर दुखी हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। युवा नेता स्वामी संदीप ओमकार का दावा है कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी के नेताओं की धोखेबाजी का जवाब जरूर देगी। युवा नेता स्वामी संदीप ओमकार का कहना है कि बीजेपी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 3 साल पहले पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का वादा कर बीजेपी उन्हें पार्टी में लेकर आई थी। बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। ये धोखा बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इन्होंने पिहोवा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आज अपना नॉमिनेशन भरने से पहले हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता महाराजा पैलेस में इकट्ठा हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया और पिहोवा से जीतने वाले का भरोसा दिया। आज नामांकन भरने से पहले रोड शो का आयोजन किया व पिहोवा महाराजा पैलेस से लेकर स्वामी संदीप ओमकार के साथ सभी कार्यकर्ता सरस्वती तक गए और स्वामी संदीप ओमकार को SDM दफ्तर में बने निर्वाचन अधिकारी दफ्तर में जाकर नामांकन भरा। देखिए नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, सभी साथ मिलकर जा रहे हैं और जो आश्वासन इच्छाएं सोच इस परिवार को मैंने दी थी, उस परिवार ने मुझे दी थी, हम सब मिलकर इसको पूरा करने वाले हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? तरह तरह के दबाव सरकार मेरे ऊपर डाल रही है, लोगों के ऊपर डाल रही है कि किसी तरीके के पास न पहुँच पाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को भी, उस सत्तारूढ़ सरकार को, कि किसी प्रकार का दबाव मेरे पे भारतीय जनता पे काम नहीं करेगा। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपका क्या लगता है कि अब जीत पक्की है? बिल्कुल जीत पक्की, मेरी नहीं पूरे पेवा हल्के की जीत पक्की है।